दोस्तों, अगर आपसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स के बारे में पूछा जाए तो आप एकदम से जवाब देंगे, जेफ बेजोस। फॉक्स की तरफ से जारी की गई दुनिया की अरबपति के लिस्ट में वो आज भी सबसे आगे है। बेजोस की कुल संपत्ति 141 अरब डॉलर की है। लेकिन यदि आपसे दुनिया के सबसे अरब युवा के बारे में पूछा जाए तो शायद आपको इसकी जानकारी ना हो। फॉक्स की तरफ से दुनिया के सबसे युवा अरबपति के नाम की लिस्ट तैयार की गई है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में सफलता की बड़ी सीढ़ी चढ़ी। आज इस वीडियो में हम आपको मोटिवेट करने के लिए दुनिया के 5 सबसे यंगेस्ट मिलियनेयर के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंतिम तक। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 5 के बारे में, जो है लुडविक थियोडोर प्रॉन। 28 साल के थियोडोर उन खुशकिस्मत बच्चों में से एक है जिन्हें जायदाद के नाम पर मिलियन डॉलर से भी ज्यादा संपत्ति मिली। लुडविक मेडिकल डिवाइस कंपनी बी ब्रॉन्ज में 10% की हिस्सेदारी रखते हैं। ये कंपनी 1939 में शुरू की गई थी। शुरुआती दिनों में ये छोटी मोटी दवाइयाँ और हर्बल नुस्खा बेचा करते थे, जिसके बाद ये कंपनी बड़ी हुई और आज इसके नेटवर्क 10 बिलियन डॉलर है। थियोडोर के पिता 1970 में अपनी कंपनी से संन्यास ले चुके थे और 10% की हिस्सेदारी अपने सबसे छोटे बेटे थियोडोर को सौंप दिए। इस जर्मन मेडिकल डिवाइस कंपनी में 58,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, जहां ऐसी दवाइयां बनती है जिससे इंसानों की ज़िंदगी बचाई जा सके। थियोडोर को इस कंपनी की 10% हिस्सेदारी मिली, लेकिन उनकी बड़ी बहन एवा को कंपनी में 12% यानी कि 1.8 मिलियन डॉलर की संपत्ति मिली। नंबर 4, इवन स्पिगल। स्पिगल स्नैप इनकॉर्पोरेटर को फाउंडर और सीईओ है, जिसे हम और आप स्नैपचैट के नाम से जानते हैं। स्नैपचैट मोस्ट यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस वजह से स्पीगल को स्नैपचैट से बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होती है। लेकिन स्पीगल और को फाउंडर बॉबी मर्फी के लिए यह आसान नहीं था। इन्हें स्नैपचैट को प्रॉफिटेबल कंपनी बनाने के लिए साल लग गए, लेकिन आज यानी 28 साल की उम्र में स्पीगल और उनके दोस्त यानी कि बॉबी की नेटवर्क 4 बिलियन डॉलर की है और बॉबी की उम्र केवल 30 साल है। बॉबी और स्पीगल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जहां ये पहली बार मिले थे, जिसके बाद इन्होंने अपने सही टैलेंट को पहचाना और सही जगह काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम पर है। नंबर 3, गुस्ताव मैग्नार विट्सो। गुस्ताव नॉर्वेजियन बिलियनेयर, जिनका सालमार ASA कंपनी से आधा मालिकाना हक है। अगर आपने इस कंपनी के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सालमार ASA दुनिया की सबसे बड़ी सैल्मन फिश प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। 2013 में गुस्ताव को इस कंपनी का आधा मालिकाना हक उनके पिता द्वारा तोहफे में दिया गया था। गुस्ताव के पिता का नाम भी गुस्ताव विट्सो है, जिन्होंने नॉर्वे में अपनी कंपनी को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन अभी भी गुस्ताव के पिता ही इस कंपनी को चलाते हैं। गुस्ताव केवल 25 साल के हैं और आज मालिकाना हक में उनके पास 3.1 बिलियन डॉलर तक की संपत्ति है। और अब जानते हैं नंबर 2 के बारे में, जो है अलेक्जेंड्रा एंड कटरीना एंडरसन। अलेक्जेंड्रा एंड कटरीना सेकेंड यंगेस्ट बिलियनर है। अलेक्जेंड्रा 22 साल की है और उनकी बहन कटरीना 23 साल की, और इनके पिता जोहान एंडरसन FERD कंपनी के मालिक है। ये कंपनी प्राइवेट नॉर्वेजियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करती है। 2007 में जोहान ने अपनी संपत्ति की 42% ओनरशिप अपनी बेटियों के नाम कर दी, जिस वजह से ये 1.4 मिलियन के मालिक है। अलेक्जेंड्रा उस समय केवल 11 साल की थी जब उनके पास इतनी संपत्ति ट्रांसफर की गई। अलेक्जेंड्रा को हॉर्स राइडिंग का काफ़ी शौक है और नॉर्वे में कई सारे चैंपियनशिप भी जीत चुकी है। दोस्तों, अगर आपको 11 साल की उम्र में 1.4 मिलियन डॉलर मिले तो आप क्या करने की सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब जानते हैं नंबर 1 के बारे में, जो है काइली जेनर। दोस्तों, काइली जेनर के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। अगर आपने उनके बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि काइली अमेरिकन रियलिटी चैनल पर्सनालिटी, मॉडल, एंटरप्रेन्योर, सोशलिस्टिक और सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है। पिछले साल अगस्त में काइली के नेटवर्क 900 बिलियन डॉलर थी,
जिस वजह से काइली यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर की लिस्ट में सबसे पहले है। काइली अपने नाम से काइली कॉस्मेटिक्स भी चलाती है, जो उनकी अर्निंग का सबसे अहम सोर्स है। इतने साल कॉस्मेटिक्स कंपनी में काइली ने 603 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया है और सोशल मीडिया पर उनके 127 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर आज काइली बिलियन डॉलर की मालिक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।